एनवायरमेंट के पेपर नंबर 5 और ओवरऑल अगर बात करें तो ये टेस्ट हमारा 60 है जिसका डिस्कशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझेंगे, किस तरह से क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए वो बॉडीज काम करते हैं, नेशंस के बीच में अग्रीमेंट किस तरह से होते हैं, तो हम सभी को देखेंगे। और आई होप कि आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है, नहीं अटेम्प्ट किया है तो अटेम्प्ट कर लेंगे इसके बाद, लेकिन कोशिश करेंगे सभी लोग पहले टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हाँ, हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अच्छा, थोड़ा विजुअल कंफर्म करिए, आपको साफ दिखाई दे रहा है? कंसिडरिंग यस, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। किन गैसेस में ग्रीन हाउस पोटेंशियल है, इस पर आधारित एक क्वेश्चन है। क्या लगता है विवेक, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड में ग्रीन हाउस पोटेंशियल है? मतलब ये टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व करते हैं? उत्तर है नहीं। एंड सेम इज द केस ऑफ सल्फर, सल्फर ऑक्साइड्स भी टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व नहीं करते, सेम विद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो हमारे पास सीएफसी एंड नाइट्रस ऑक्साइड ये दो हैं जो जिनमें कि ग्रीन हाउस पोटेंशियल है। किन गैसेस में ग्रीन हाउस पोटेंशियल होता है? उन गैसेस में जो कि टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं उनमें ग्रीन हाउस पोटेंशियल होता है। तो सीएफसी और नाइट्रस ऑक्साइड में ग्रीन हाउस पोटेंशियल है, बाकी पे नहीं है। इसलिए हमारा आंसर होगा 1, 2 और यहां पर ए ऑप्शन होगा। दूसरा, इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है? ध्यान देने वाली कई सारी चीजें हैं। एक बात तो ये कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन कब आया, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट 2014 में, सही है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट 2014 में आया। आपको यह ध्यान देना है कि 2014 में हुई एक समिट पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है 2021 में, 2021 पे इस समिट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा नोट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके द्वारा कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी समझौते, कोई भी कन्वेंशन जब भी किए जाते हैं, चाहे वो आज से 20 साल पहले किए गए हों या 10 साल पहले किए गए हों, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले कभी भी किए गए हों, ठीक है। तो यूपीएससी उनसे इस तरह से क्वेश्चन पूछती है एंड सेम वे यहाँ पे वैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए हम एनवायरनमेंट पे होने वाले जो भी समिट्स हैं उनको सही से तैयार करेंगे। क्या हमको सारी समिट्स तैयार करने की जरूरत है? उत्तर है नहीं। सिर्फ उन समिट्स पे फोकस किया जाता है जिनके आउटकम्स आज भी रिलेवेंट हैं। जैसे मान लो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 2015 की पेरिस ट्रीटी होती है तो वो 9 साल पुरानी, लेकिन वो अभी और 4-5 साल वैलिड रहेगी, तो उसका इफेक्ट हम आने वाले वर्षों में चुके देखेंगे, तो उस पर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। कोई भी समिट जिसके इंपैक्ट, जिसका रिलेशन हमारे प्रेजेंट से एसोसिएटेड, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस तो 1972 में हुआ था, लेकिन आज भी वो हमारे लिए रिलेवेंट है, इसलिए आज भी हम उसको फॉलो करते हैं और उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 साल पुराना डेवलपमेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चन के माध्यम से हम यह समझ अपनी डेवलप करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इट endorses अ ग्लोबल टाइम लाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पे जो होने वाले लॉस है उसको एंड करने के लिए ये एक टाइम लाइन प्रोवाइड करता है, चेक करेंगे इसको। तीसरा, इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। हमको ये ध्यान देना होता है कि लीगली बाइंडिंग कौन कौन से होते हैं। पहली बात, कोई भी डिक्लेरेशन होते हैं जनरली वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते, प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग होते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि नेशन ने अपना ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया, वह उन पे स्वयं लीगली बाउंडिंग नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जैसे हाई स्कूल में अगर आपने 90% का डिक्लेरेशन दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि 90% नहीं आएगा तो आप फेल हो गए, ठीक है। डिक्लेरेशन जनरली लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। और इसके अलावा, इट इज एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज, जनरली सही होगा। इसको भी एक बार चेक करेंगे। इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरी एट दिस इट्स इंसेप्शन, मतलब जब यह शुरू हुआ तो इंडिया इसका सिग्नेटरी था। उत्तर है नहीं, इंडिया आज भी इसे फुली एंडोर्स नहीं करता, इसलिए पांचवा गलत है। और पहला सही है, चौथा सही है, तीसरा गलत है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो अगर हम क्लियर तौर पर जानते हैं कि 1 और 4 सही है, 3 और 5 गलत है। जनरली इसके बारे में ऐसा बिलीव किया जाता है कि इसमें 2024 तक 2020 तक इसमें फॉरेस्ट लॉस को आधा करने की जरूरत थी, और 2030 तक
उसे पूरी तरह से प्रिवेंट करने की जरूरत थी। तो इसी अगर आप टाइमलाइन देखते हो तो ये एक दो और चार ये सही होना चाहिए और तीन और पांच गलत होना चाहिए। तो हमारे पास कितने कथन आ गए, तीन कथन सही आ गए एंड इसके अकॉर्डिंग बी आंसर होना चाहिए। हाँ, एक दो चार सही है और बी यानी कि टू आंसर है हमारा। विद रेफरेंस टू क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रायोजेनिक इंडिकेटर का क्या मतलब है, मतलब जैसे आइस शीट्स होते हैं तो वो एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर बनते चले जाते हैं, जितने लंबे समय तक उसमें आइस की शीट्स जुड़ती चली जाएंगी आइस का कोर उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। और अगर जो आइस कोर जितना पुराना होगा उसमें उसी तरह के ऑर्गेनिज्म, उसी तरह के फीचर्स, उसकी लेयरिंग, वो सब कुछ उसी तरह से अलग होगी। तो क्या क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज हो सकता है, स्टेटमेंट चेक करेंगे पता चलेगा। एन आइस कोर इज अ कोर सैंपल दैट इज टिपिकली रिमूव्ड फ्रॉम एन आइस शीट, यानी कि कोई आइस कोर, आइस कोर क्या होंगे, जैसे मान लीजिए कि आइस की शीट्स जमती चली जाती हैं, जमती चली जाती हैं नीचे नीचे नीचे, तो ये अपने आप में एक कोर बन जाता है आइस का, तो इसी को आइस कोर कहते हैं। एन आइस कोर इज अ कोर सैंपल दैट इज टिपिकली रिमूव्ड फ्रॉम आइस शीट मोस्ट कॉमनली फ्रॉम द पोलर आइस कैप्स ऑफ अंटार्कटिका ग्रीनलैंड और फ्रॉम हाई माउंटेन ग्लेशियर्स एल्सवेयर। यानी कि जहां जहां पे आपके पास आइस कैप्स हैं, जैसे अंटार्कटिका में है, आर्कटिक बेसिन में है, ग्रीनलैंड में है, तो वहां पर अगर आइस कोर किसी आइस शीट से रिमूव हो जाए तो इसे हम कह सकते हैं कि हाँ एनवायरमेंट का डैमेज हुआ। दूसरा, एज द आइस फॉर्म्स द इंक्रीमेंटल बिल्डिंग ऑफ अनुअल लेयर्स ऑफ स्नो, लोअर लेयर्स आर ओल्डर देन अपर एंड आइस कोर कंटेन्स आइस फॉर्म्ड ओवर रेंज ऑफ ईयर्स। तो ये बात हमने आपको यहां पे डिस्कस करी कि आइस के ऊपर इस तरह से लेयर्स जो डेवलप होते चले जाते हैं, इस तरह से अपने आप में आइस शीट्स बनती हैं जिसका अपने आप में एक लोअर आइस कोर होता है। तो अगर कोई आइस कोर रिमूव हो जाएगा तो वहां पर वो हमको इंडिकेट करेगा कि हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तीसरा, द प्रॉपर्टीज ऑफ आइस एंड द रिक्रिस्टलाइज्ड क्लैरिफिकेशन नीडेड इंक्लूजन विद इन द आइस कैन देन बी यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट अ क्लाइमेटिक रिकॉर्ड ओवर द रेंज एज रेंज ऑफ कोर नॉर्मली थ्रू आइसोटॉपिक एनालिसिस। यहाँ पे भी वही बात दोहराई गई है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये एक लेयर है जिसमें कि बहुत सारी आइस की लेयर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लेयर बनी है 1980 में, फिर समय बीतते बीतते ये पूरी लेयर 90 में बनी है, ये बनी है 2000 के टाइम में, ये 2020 के टाइम में, ये 2023-24 के आसपास बन रही है अभी। तो इस तरह से अगर हम इन लेयर्स का अध्ययन करते हैं, इसकी टोपोग्राफी का अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ हिस्टोरिकली कैसे क्लाइमेट रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा रही होगी तो वहां पर हो सकता है आइस शीट्स पतली हो, इसलिए क्रायोजेनिक इंडिकेटर हो सकता है, क्रायोजेनिक इंडिकेटर हो सकता है, इस बात पे ध्यान देंगे। चौथा, आइसोटोपिक एनालिसिस इनेबल्स द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लोकल टेम्परेचर रिकॉर्ड एट द हिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। तो आई थिंक इसमें सारे स्टेटमेंट सही होने चाहिए, फिर भी सेकंड स्टेटमेंट को एक बार हम फिर से देखेंगे कि वो गलत तो नहीं है, वैसा सभी सही है ऑल फोर। सेकंड स्टेटमेंट में बारीकी क्या थी, वो ये कि इंक्रीमेंटल बिल्डिंग ऑफ अनुअल लेयर्स ऑफ स्नो लेयर आर ओल्डर देन अपर लेयर एंड आइस कोर कंटेन्स आइस फॉर्म्ड ओवर रेंज ऑफ ईयर्स। चलो, तो रेंज ऑफ ईयर्स में ये हमने सही है, तो इसमें कोई पॉइंट हमारा बनता नहीं है इसको रिजेक्ट करने का। मतलब कहने का यही है कि जो आइस का कोर है, कोर का मतलब जो नीचे की आइस की लेयर है, वो उतने ही ज्यादा टाइम में डेवलप होते हैं, इसलिए आइस की जितनी शीट्स होती है वो एक क्लाइमेट का इंडिकेटर हो सकते हैं, ठीक। और उसका जो ये एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो चार के चारों कथन सही हैं। हाँ, इसमें एक टर्म यूज हुआ है आइसोटोपिक एनालिसिस या आइसोटोपिक स्टडी, इसका मतलब ये होता है कि सेम लेवल ऑफ आइस की मोटाई के अनुसार सेम लेवल ऑफ आइस हमको ये बताता है कि सिमिलर टाइप के वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टेम्परेचर रहे होंगे। अगर मान लीजिए कि ग्रीनलैंड में किसी वर्ष में जो आइस की शीट बनी है वो पतली है इन कंपेयर टू अंटार्कटिका, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट ग्रीनलैंड में अंटार्कटिका से ज्यादा है। सिंपल से इतनी स्टोरी है इसकी। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना 30 जून 2008 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कुछ राष्ट्रीय मिशन इस प्रकार हैं। NAPCC इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा है। यस, नेशनल एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज, NAPCC अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 2008 में शुरू किया गया था। इसके अंदर टोटल 8 मिशन है, हमें 8 मिशन के नाम पता होने चाहिए। जब हम यहां पे चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो हमारे पास
मिशन लिखे हुए हैं वो सही हैं, तो हमको पता चलता है कि जैसे कि नेशनल मिशन ऑन एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, ये मिशन का पार्ट है। दूसरा नेशनल मिशन ऑन फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी इसका पार्ट नहीं है, इसे बाहर कीजिए। नेशनल वाटर मिशन इसका पार्ट है। नेशनल मिशन ऑन क्लीन इंडिया इसका पार्ट नहीं है। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन नेचुरल हेरिटेज इसका पार्ट होना चाहिए। तो हमारे पास सही उत्तर आ गए 1, 3, सॉरी नेचुरल हेरिटेज पे नहीं है, जो नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ही क्लाइमेट चेंज पर है, क्लाइमेट चेंज पर, ना कि नेचुरल हेरिटेज पे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारा गलत हो जाता है, ये गलत है और दो भी गलत है, तो 1 और 4 सही है, तो हमको आंसर मिल जाएगा ओनली 2 ए आंसर होना चाहिए, एंड दैट इज 1 और 3। यस, नेशनल मिशन ऑन एनहेंस एनर्जी एंड नेशनल मिशन ऑन नेशनल वाटर मिशन, ये केवल 2 सही है, 2, 4 और 5 गलत है। टोटल 8 मिशन है, 8 के 8 यहाँ पे लिखे, इनको देख लीजिए। सोलर मिशन है, एनहेंस एनर्जी मिशन है, सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन है, वाटर मिशन है, इसके अलावा हिमालयन इकोसिस्टम पर हमारे पास मिशन है, ग्रीन इंडिया पर मिशन है, एग्रीकल्चर पर मिशन है, और स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, और वहां पर अगर वो नेचुरल हेरिटेज लिखता है तो गलत हो जाता है। ठीक है, 8 के 8 मिशन तुम्हें पता होने चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनके अंतर्गत कौन कौन से प्रोग्राम भारत सरकार चलाती है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू OPCW, OPCW का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। OPCW के बारे में कुछ स्टेटमेंट पढ़िए, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विद नाटो एंड WHO। नहीं, ऐसा नहीं है। OPCW लाया गया था केमिकल वेपन कन्वेंशन को लागू करने के लिए, केमिकल वेपन कन्वेंशन, यानी कि CWC को लागू करने के लिए OPCW लाया गया था। पहला स्टेटमेंट गलत है, इट मॉनिटर्स द केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट वेपन फ्रॉम इमर्जिंग, ये सही है। तीसरा, इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट पार्टीज अगेंस्ट केमिकल वेपन्स थ्रेट, ये भी सही है। मतलब ये कि इंडस्ट्रीज जो केमिकल पे काम करती हैं, ऐसा तो नहीं कहीं वो बॉम्ब बना रही हूँ फिर वो आतंकवादियों को बेच रही हूँ, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए केमिकल वेपन कन्वेंशन लाया गया था। दूसरी बात, ये तीसरी बात, इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट, यानी कि सरकारों को राज्यों को कोई भी केमिकल से होने वाले थ्रेट से प्रोटेक्ट करना इसका एक मेन मोटिव है। तो इस तरह से 2 और 3 सही हो जाएगा और पहला गलत है। सॉरी, देखो WHO, नाटो और यूरोपियन यूनियन, ये सबका पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए गलत है। विवेक, एनी डाउट?